गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 13 है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसकी दो एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं हम। 13.3 स्टार्ट करेंगे। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन नंबर्स को आपने किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सरसाइज आपकी है 13.3, क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 1207341, इसको लिखना आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे? सबसे पहले ये डिजिट लिखना, जैसे ये 1 है तो 1 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आएगा? 1 के बाद आप डिजिट काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 10 रेज टू पावर 6। देन प्लस फिर सेकंड डिजिट, सेकंड पे क्या है? 2 है। मल्टीप्लाई में 2 के बाद आप बेटे देखोगे, पहले 6 थी, अब क्या आएगा? 10 रेज टू 5। देन क्या आएगा? 0, 0 इंटू 10 की पावर क्या है बेटे? 4। फिर 7, 7 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 10 की पावर 3। देन 7 के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर 1। देन यूनिट डिजिट 1 इंटू 10 रेज टू पावर 0। आप इधर से राइट से लेफ्ट की ओर भी लिख सकते हो। राइट से लेफ्ट लिखना चाहो कैसे आएगा? 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 0, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1। राइट से लेफ्ट आओगे 10 की पावर बढ़ती जाएगी, लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी। आप कैसे भी लिख सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते हो और लेफ्ट से राइट में भी लिख सकते हो। अगर आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो, 1 मल्टीप्लाई में क्या करना है? 10 की पावर कितनी आएगी? 1 के बाद आपको डिजिट काउंट कर लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 है 10 रेज टू पावर 6। फिर पावर आपने कम करते जाना है जब तक की पावर कितनी ना आ जाए? 0 ना आ जाए। फिर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5, फिर 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। इस टाइप इस फॉर्म में लिख देना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका एक आधा क्वेश्चन और करो बेटे आप। क्वेश्चन नंबर 4, 9101, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? 9 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी आएगी? 9 के बाद डिजिट काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 10 रेज टू पावर 5। देन 9 के बाद है 1, 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 10 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी अब? 4। फिर 1 के बाद है 0, 0 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू 3 प्लस फिर है 1, 1 इंटू 10 रेज टू पावर 2। देन आपका है 2, 2 इंटू में 10 रेज टू पावर 1। फिर 2 के बाद क्या है? 1 है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 0। इस टाइप में इस फॉर्म में लिखना, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने कर लेने ये बाकी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द नंबर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने इसमें तो नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म से आप नंबर में कैसे जाओगे वो देखोगे। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म इसका फर्स्ट पार्ट में दे रखी है, 3 × 10^6 प्लस 2 × 10^4 प्लस 1 × 10^3 प्लस 0 × 10^2 देन 2 × 10^1 प्लस 0 × 10^0। नंबर कैसे लिखोगे बेटे? सबसे पहले नंबर बनाना है तो 3 के बाद 6 के बाद देखो बेटे 5 वाली पावर नहीं है तो मिसिंग है, उसके लिए आप 0 लगाओगे। ध्यान रखना है 6 के बाद 5 वाला नहीं है तो 0 लिखोगे उसकी जगह। फिर 5 के बाद 4 वाला कितना है? 2 है ना, 2 लिख दिया। फिर
कंटिन्यू साइड है, देखो 4, 3, 2, 1, ये तो आ गया, तो कंटिन्यू साइड है n की पावर, नो प्रॉब्लम। 2 आ गया, 2 के बाद क्या लिखोगे, 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 0, तो ये आपका कौन सा बन गया, नंबर फॉर्म हो गया। तो इस नंबर को अगर आप किस फॉर्म में लिखना चाहो, एक्सपेंडेड में, तो ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेंडेड से नंबर इस टाइप में आप बना सकते हो। क्वेश्चन और देखो, फिफ्थ पार्ट इसका, 8 × 10^6 + 4 × 10^2 + 2 × 10^1। नंबर कैसे बनाओगे, सबसे पहले 8, 8 राइट किया आपने, 10 की 6 है, 6 के बाद देखो बेटे 10 की 5, 4, 3 ये बड़े है ही नहीं, ना ही 10 की पावर 5 है, ना ही 10 की पावर 4 है, ना ही 10 की पावर 3 है, नहीं है, तो उनकी जगह पे 0 आ जाएगा। 10 की पावर 5 वाले पे भी, 4 वाले पे भी, 3 वाले के लिए भी क्या आ गया, 0। 2 वाला है, 2 वाले का आपका यहाँ डिजिट कितना है बेटे, 4, 4 के बाद ये भी कंटिन्यूस है, कितना है, 2। अब 10 की पावर 0 वाला भी नहीं है, नहीं है, तो बेटे उसकी जगह क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगी। तो ये नंबर फॉर्म हो गया, तो आपको आने चाहिए ये नंबर फॉर्म करने आने चाहिए, ठीक है बेटे। नाउ बेटे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर चेंज करने हैं आपको। फर्स्ट है 2 × में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, 10 की पावर, पावर में लिखना है, 10 की पावर में आप इस नंबर को लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। जैसे इसको क्या लिखोगे, 2 × में 10 की कितनी पावर लिख सकते हो बेटे आप साथ में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 है, 10^2 कितना आ जाएगा, 7। ये कौन सा बन गई फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, 10 की पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका जो आप थर्ड पार्ट, 2, 1, 7, 5, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 1 ये है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, देखो जब भी आपने सिर्फ पॉइंट, इसका डेसिमल नहीं है, 2 को आप बेटे क्या लिख सकते हो, 2.0 लिख सकते हो, तो डेसिमल से लेफ्ट साइड में सिर्फ आपका एक ही डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे एक ही था, बाकी तो 0 थी, लेकिन यहाँ पे काफी डिजिट है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 लिखा, 2 के बाद पॉइंट लगाओगे, 2 पॉइंट, पॉइंट लगा के सारे लिख दोगे, 1, 7, 5 ये सारे लिख दोगे पॉइंट लगाने के बाद, क्योंकि 1 के बाद ही पॉइंट लगाना है, 2, 3, 1, इसमें तो 0 थी तो पॉइंट लगा के 0 लिखना कोई बेनिफिट नहीं देगा आपको, तो इसमें और नंबर है तो 2 के बाद आप क्या लगाओगे, पॉइंट लगा के लिख दिए सारे। अब मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी आएगी वो देखो, पॉइंट के बाद वाले काउंट करो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है तो 10^2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही नंबर आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है आपको, फर्स्ट डिजिट लिख के उसके बाद पॉइंट में लिख देने हैं सारे, इनटू में 10 की पावर कितनी आएगी, जो पॉइंट के बाद में जितने डिजिट पड़े हैं 10 की उतनी आपको पावर लगा देनी है। तो ये बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एज ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज दिस, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है फोर्थ में भी आपको, जैसे ये है 4, 2, 000 ईयर्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे, 4 के बाद पॉइंट लगा दोगे, 2 बाद में 0 लिखनी कोई जरूरी नहीं है, तो इनटू में क्या लिखोगे, 10 की पावर कितनी लिखोगे आप, यहां से देखो
टू के बाद में आपने कितने ये हैं, टू के बाद कितनी जीरो है बेटे, टू के बाद सॉरी पॉइंट के बाद देखोगे पॉइंट यहां लगाया आपने, पॉइंट टू के आ गया तो वन टू थ्री फोर, फोर है पॉइंट के बाद, तो यहाँ जीरो कितनी थी, यहाँ जीरो लिख दो, वन टू थ्री, पॉइंट के बाद कितने है फोर है, तो कितनी लिख दिया आपने 4.2 इंटू 10 की पावर 4। अब ये आपके सम्स के लिए था, अब यहाँ जीरो तो 4.2 लिखो, चाहे 4.2 जीरो 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 लिखते जाओ, बात एक ही है, तो ये जीरो चाहे आप ना लिखो, सिंपली क्या लिख दो 4.2 इंटू 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आंसर होगा। तो आपको जितने आज क्वेश्चन करवाए हैं ये आपको फेयर नोटबुक पे राइट डाउन करनी है, और जो बाकी पार्ट रहेगी ये आपको खुद करने होंगे। Thank you. Have a nice day.